वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग सरल इंग्लिश गुरु स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड। और हमारे साथ सीखे बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश, दिस इज सुरेश मौर्य। और चलिए फ्रेंड्स, हमारे मॉडल सीरीज में हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। हम जिस तरह से देख रहे हैं हमारे कुछ वीडियोस के साथ में, हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं, हम लगातार पढ़ रहे हैं मॉडल के सेंटेंसेस, अलग अलग मॉडल के सेंटेंसेस हम देख रहे हैं हमारे इस वीडियो सीरीज में। आप हमारे साथ सीख रहे हैं कि मॉडल को किस प्रकार से, ये जो विशेष हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे लाइफ में, कुछ विशेष काम करते हैं, विशेष एक्शन करते हैं और हमें कुछ आसान सेंटेंसेस बनाने में हमें हेल्प करते हैं। जिस सीरीज में हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा, हम डेयर के सेंटेंसेस बना रहे थे और हमने डेयर के सेंटेंसेस हमारे जीवन के देखे कि किस तरह से हमें चुनौती, साहस और हिम्मत की तरफ इशारा करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने वो सेंटेंसेस बनाए थे। तो आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस को देखा है तो सेंटेंसेस आपने देखे होंगे कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट में हमने डिटेल से हमारे पिछले वीडियोस में पढ़े हैं हमारे सेंटेंसेस जो चुनौती, हिम्मत, साहस की तरफ इशारा करते थे। अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो वहां से आप देखिए, उस वीडियो को देख करके अगर आप शुरुआत करते हैं तो आज के जो सेंटेंसेस होंगे वो उसके आगे के सेंटेंस आपको आसानी से समझ में आएंगे कि पिछले सेंटेंसेस किस तरह से डेयर से बने थे और आज जो सेंटेंसेस डेयर का यूज करेंगे हम वो किस तरह से अलग होंगे। तो हमने पहले देखा है हमारे पिछले वीडियो में, डेयर मॉडल भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। और इस वीडियो सीरीज में हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इस बार जो सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं वो मॉडल के साथ पढ़ रहे हैं। डेयर मॉडल का यूज हमने जो किया है हमारे सेंटेंसेस मॉडल के लिए किया है और मेन वर्ब के लिए किया है और नाउन के लिए किया है। तो हम इस समय मॉडल के सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं और डेयर से जो हमारे मॉडल के रूप है वो हमने पिछले वीडियोस के साथ में डिटेल से देखे हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमारे पिछले वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप डेयर के सेंटेंसेस को किस तरह से हिम्मत, साहस के लिए हम यूज करते हैं आप पहचान पाएंगे। तो हम यहाँ से उस सीरीज से आगे बढ़ते हैं। जो आज के हमारे सेंटेंसेस होंगे वो कुछ डिफरेंट होंगे, हमारे पिछले वीडियोस से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और आज जो हम सेंटेंसेस यूज करेंगे आप देखेंगे, इसलिए कि हमारे जो सेंटेंसेस होंगे वो चैलेंज और करेज के साथ में कुछ डिफरेंट दिखाएंगे। जो डिटेल से हमने पिछले वीडियोस में देखा है, चैलेंज और करेज वाले, चुनौती और हिम्मत साहस वाले वो सेंटेंसेस आप अगर देखें हैं तो आज आप देखेंगे कि यहाँ जो हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो चलिए, आप नोटबुक, पेन, कॉपी निकाल करके तैयार हो जाइए और आज हमारे डेयर से वाले सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे कि हमारे मॉडल डेयर के साथ में एक वर्ड और जुड़ा होगा, वो होगा डेयर के साथ में से। और हम ये सेंटेंसेस आज बनाएंगे किस तरह से हमारे एस से मॉडल जो डेयर है उसके साथ से जुड़ता है। तो हमारे सेंटेंसेस कुछ विशेष, कुछ अजीब, कुछ अलग बनते हैं और वो कैसे अलग बनते हैं हम आज देखेंगे। हमारे ये सेंटेंस ये संभव है की तरफ इशारा करेंगे, कुछ संभव है, कुछ हो सकता है, इस बात की तरफ इशारा करेंगे या हमें इशारा करेंगे उसमें कोई डर है या कोई शंका है। जब हम ये डेयर से लगाएंगे तो हम देखेंगे कि उस वाक्य में किसी प्रकार की कोई संभावना जो रहेगी वो संभव या डर या किसी प्रकार की शंका की तरफ इशारा करेगा। और हमारे सेंटेंस जो बनेंगे वो किस तरह से होंगे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज हम जो सेंटेंसेस बनाएंगे ऊपर फॉर्मूला भी देख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट ही होगा। हम आई डेयर से करके सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं। हमारे सारे सेंटेंस में आप एक शब्द जरूर देखेंगे, वो आई डेयर से। सिंपल प्रेजेंट में हम हिम्मत, चुनौती, साहस के लिए ही सेंटेंस होंगे, लेकिन ये बिल्कुल अलग ढंग से होंगे। और हमारे सेंटेंसेस फ्रेंड्स, आप नोटबुक, पेन, कॉपी निकाल करके तैयार हो जाइए आज के सेंटेंसेस सीखने के लिए, डेयर के जो मॉडल है उसे अलग ढंग से, अलग तरीके से सीखने के लिए। और हम देखते हैं कि हमारे जो सेंटेंसेस होंगे किस तरह से बिल्कुल डिफरेंट होंगे हमारे पिछले वीडियो के सेंटेंसेस से। तो आप पहला अपना सेंटेंस देखिए आपके स्क्रीन पर, यह संभव है कि यह सब ठीक हो जाएगा। यह संभव है कि ऐसा लगता है कि यह सब ठीक हो जाएगा, आई डेयर से। तो मतलब ऐसा मैं डेयर से कह सकता हूँ, यह संभव है, इट विल बी ऑल राइट नाउ, कि अब यह संभव है, यह ऐसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वहां पर डेयर आप देख रहे हैं, लेकिन पिछले जो हमने वीडियोस के सेंटेंस देखे उनसे बिल्कुल अलग देख रहे हैं। सेंटेंस है यह संभव है कि यह सब ठीक हो जाएगा, आई डेयर से, इट विल बी ऑल राइट नाउ। हम सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हमारा, जो देखिए, यह संभव है कि ये, या ये डर है कि वो मेरा प्रस्ताव मान ले, आई डेयर से ही मे एक्सेप्ट माई प्रपोजल। तो वही सेंटेंस, आप पूरे सेंटेंस देखिए, हमने इस बार पूरा आपको एक साथ सेंटेंस दिखा दिया है। आप पूरे सेंटेंस में देखिए, एक लाइन बिल्कुल क्लियर है, एक लाइन बिल्कुल साफ है, हर सेंटेंस में लिखा हुआ है आई डेयर से, आई डेयर से। हमारा सेकेंड सेंटेंस देखिए, ये संभव है या ये डर है कि वो मेरा प्रस्ताव मान ले, आई डेयर से ही मे एक्सेप्ट माई प्रपोजल। हमारा सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई डेयर से ही मे एक्सेप्ट माई प्रपोजल। यहाँ पर हमारा तीसरा सेंटेंस देखिए, ये संभव है कि सभी तेरी उपलब्धियों को देख करके दंग रह जाए। तो यहाँ पर संभव है या ऐसा कोई डर है या शंका है कि तेरी उपलब्धियों को देखकर, तूने जो कारनामे किए हैं, सारे लोग तेरी कारनामे को देख करके दंग हो जाए, चकित रह जाए। तो आई डेयर से ऑल विल बी सरप्राइज टू सी योर
ह्यूमंस। फ्रेंड्स सारे सेंटेंस ऊपर के फिर से एक बार आप देखते जाइए, आप स्क्रीन को रॉक करके फिर से सेंटेंसेस देख लीजिएगा, पढ़िएगा। आई डेयर से बिल्कुल अलग एक तरह के वाक्य हैं, डेयर मॉडल तो हम यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर सेंटेंस आई डेयर से करके ही, आई डेयर से जोड़कर ही बोलना है हर बार। हमारा तीसरा सेंटेंस हम फिर से पढ़ते हैं, आई डेयर से ऑल विल बी सरप्राइज टू सी योर अचीवमेंट्स। चलिए हम चौथा हमारा वाक्य देखते हैं। ऐसी संख्या है, ये संभव है कि अदालत हमारे पक्ष में आदेश दे या आदेश दे दे। आई डेयर से द कोर्ट में इशू एन ऑर्डर इन आर फेवर। आई डेयर से द कोर्ट में इशू एन ऑर्डर इन आर फेवर, तो हमारे पक्ष में हमारे तरफ से कोर्ट हमें ऐसा आदेश दे दे। तो ऐसी संख्या है, ऐसा संभव है कि ये आदेश हमारे पक्ष में आएगा। पांचवा सेंटेंस देखते हैं। ऐसा संभव हो कि बदमाश हमारा रास्ता फिर से रोके। तो ऐसा संभव हो या ऐसा होगा, आई डेयर से दैट रास्कल में स्टॉप अस ऑन द वे, तो जो रास्कल है हमें रास्ते में रोकेगा या हमारा रास्ता फिर से रोकेगा। आई डेयर से दैट रास्कल में स्टॉप अस ऑन द वे, कि रास्ते में हमें वो रोकेगा या हमारा रास्ता वो फिर से रोकेगा। तो आप फिर से ऊपर के सारे सेंटेंस देखिए। हमारा पहला है आई डेयर से इट विल बी ऑल राइट नाउ। सेकेंड है आई डेयर से ही मे एक्सेप्ट माई प्रपोजल। आई डेयर से ऑल विल बी सरप्राइज टू सी योर अचीवमेंट्स। आई डेयर से द कोर्ट में इशू एन ऑर्डर इन आर फेवर। आई डेयर से दैट रास्कल में स्टॉप अस ऑन द वे। तो फ्रेंड्स आपने पांच सेंटेंस देखे, बिल्कुल अलग देखे होंगे, आपने डेयर के मॉडल देखे लेकिन यहाँ पर डेयर से हमें आई के साथ यूज करते हुए आई डेयर से हम बोल रहे हैं। जो हमें पिछले जो चुनौती थी, पिछले जो हिम्मत थे, साहस था, उन सेंटेंस से बिल्कुल अलग है। तो चलिए हम आगे के पेज में और एग्जाम्पल देखते हैं। आप इन सेंटेंसेस को अब नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। अगर कोई सेंटेंस आप नोट नहीं कर पाते हैं तो फिर से आप हमारे वीडियो को रिस्टार्ट करके देखिएगा, हम आगे के सेंटेंसेस बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। अगर आपको इन पांच सेंटेंस से कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट रह जाता है तो आगे भी बहुत से सेंटेंस है, आप उन सेंटेंस से अपने डाउट को क्लियर कर पाएंगे। हमें कमेंट करें कि आपने किस तरह से सीखा है। कोई डाउट रह जाता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके हमसे इस बात की जानकारी आप ले सकते हैं, अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारे अगले सेंटेंसेस होंगे वो किस तरह से होंगे। फिर से हमारे वही सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट में हम बना रहे हैं। आई डेयर से हम सेंटेंसेस बनाएंगे जो हमारे साहस, हिम्मत, चुनौती दिखाने वाले से थोड़े से अलग किस तरह से होंगे हम देखते हैं। तो चलिए आप फिर से लिखने के लिए तैयार रहिए, सेंटेंसेस को एक बार पहले देखिएगा फिर आप लिखिएगा। हमारा पहला जो सेंटेंस है, छठवां नंबर यहाँ पर, ये डर है कि तेरी ये हरकत अपने चांसेस ही खत्म कर दे। मतलब ऐसी शंका है कि जो तुमने हरकत अगर करते हो तो हमारे चांसेस है अगर जीतने के, अगर कोई उपलब्धि पाने के, कुछ हासिल करने के, तो हमारा ये जो अवसर है वो खत्म हो जाए। आई डेयर से योर दिस एक्शन में डिस्ट्रॉय आर चांसेस। उसने कुछ ऐसी हरकत कर दी है जिसकी वजह से आगे अगर कुछ होगा तो गलत होने के चांसेस हो गए। तो है आई डेयर से योर दिस एक्शन में डिस्ट्रॉय आवर चांसेस। चलिए हमने फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। आप सारे एग्जाम्पल फिर से एक बार देखिए। सारे एग्जाम्पल्स में आप सेंटेंस एक क्लियर देखते हैं। आई डेयर से सभी में पिछले अक्षरों से आपको अलग दिखाई पड़ रहा होगा और हमारे सेंटेंसेस बिल्कुल पिछले सेंटेंसेस जो आपने पिछले पेज में देखा वैसे ही होंगे। एक्शन यहाँ पर अलग होगा, वाक्यों के मीनिंग वहाँ पर बदलेंगे, हिंदी बदल जाएगी। चलिए हम सातवां सेंटेंस देखते हैं। ये संभव है कि ये शंका है कि वो थोड़ा बाद में आए, वो थोड़ा देर से आए। तो आई डेयर से ही मे रीच अ लिटिल बिट लेटर। आई डेयर से ही मे रीच अ लिटिल लेटर, हमारा ये सातवां सेंटेंस हुआ कि वो थोड़ा देर से आए, ऐसा संभव है। आठवां सेंटेंस देखिए। ये संभव है कि सभी तेरी उपलब्धियों को देखकर दंग रह जाएंगे। ऐसा संभव है, ऐसा डर है। आई डेयर से ऑल विल बी सरप्राइज टू सी योर अचीवमेंट्स। आई डेयर से ऑल विल बी सरप्राइज टू सी योर अचीवमेंट्स। मुझे ऐसे डर है, संभव है कि तेरी इन उपलब्धियों को देख करके सब लोग चकित रह जाएंगे। हम नौवां नंबर सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। ऐसी शंका है, ऐसी संभावना है कि उसने तलाक के लिए केस कर दिया हो। तो ऐसा शंका है, हमें संभावना है। आई डेयर से ही हैज फाइल्ड ए केस फॉर डिवोर्स। आई डेयर से ही हैज फाइल्ड ए केस फॉर डिवोर्स, तो उसने अदालत में अप्लाई कर दिया होगा केस लड़ने के लिए तलाक का। तो इस प्रकार की जो हम बातें मन में शंका रख के करते हैं, मन में संभावना रख के करते हैं, और हमें इस प्रकार की जो किसी छोटा सा डर मन में कहीं होता है, तो आप सेंटेंस की शुरुआत आई डेयर से ऐसे करके अपना जो सेंटेंस होगा, जिस भी फॉर्मेट, जिस भी टेंस में आप अगला सेंटेंस बोलते होंगे वो पूरा वैसा ही बोल दीजिए।
तो आपका वो सेंटेंस पूरा हो जाएगा। हमारा 10वां नंबर है जो वहां पर नंबर डालना छूट गया है, वो 10वां नंबर सेंटेंस 9 के बाद ऐसा संभव हो कि वो फिर से गाली देगा, या ऐसा लगता है, ऐसा डर है कि वो फिर से गाली देगा, मन में हमें किसी प्रकार का शंका आइडियर से दैट ही में अब्यूज अगेन कि वो फिर से गाली देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आइडियर से हमारा 6वां नंबर आइडियर से योर दिस एक्शन में डिस्ट्रॉय चांसेस आइडियर से ही में रीच अ लिटिल लेटर। 8वां है आइडियर से ऑल विल बी सरप्राइज टू सी योर अचीवमेंट्स। 9 नंबर सेंटेंस है आइडियर से ही हैज फाइल्ड केस फॉर डिवोर्स। 10वां नंबर जो सेंटेंस है वहाँ नंबर डालना हमसे छूट गया है आइडियर से दैट ही में अब्यूज अगेन कि वो फिर से गाली देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने आज के ये 10 सेंटेंसेस देखे अलग बिल्कुल डेयर के हमारे पिछले वीडियो के सेंटेंसेस से बिल्कुल अलग देखे। आप इन सेंटेंस को फिर से देख लीजिए, पिछले डेयर के सेंटेंस पिछले वीडियो के सेंटेंसेस से आप मिला लीजिए। इसी तरह के सेंटेंसेस आप सोचिए बनाइए, आपके जीवन के बनाइए, आपके लाइफ टाइम के बनाइए, रियल टाइम के बनाइए, जिससे आप इस तरह के वाक्य बिल्कुल फ्लुएंट बोल पाए अपने जीवन में। जब भी आपको बोलने का मौका मिले, संभव हो, जब वो आपके साथ हो, तो आप इस तरह की शुरुआत के साथ सेंटेंस डेयर का यूज मॉडल करते हुए बोल पाए। तो फ्रेंड्स आप सेंटेंस आप नोट कर लीजिए, 10 सेंटेंस जो आपने देखा उन्हें देख लीजिए, नोट करिए, आपके पास एक अच्छे से अब नोटबुक बनते जाइए। हमारे चैनल हमारे वीडियो के साथ में आपने बहुत सारे अलग अलग सेंटेंस देखे। आप हमारे इस वीडियो यूट्यूब चैनल्स के साथ में जो सेंटेंस देख रहे हैं दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस तरह के सेंटेंस सीख पाए, हिंदी के माध्यम से सीख पाए, उनका किसी प्रकार का कन्फ्यूजन डाउट दूर हो पाए। हम जो छोटे स्तर पर छोटी जगह पर रहने वाले होते हैं, हमारे मन में इस तरह के बहुत से शंकाएँ होती हैं, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा माहौल नहीं होता है तो हम इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं। तो इस तरह का माहौल हम बना सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो एक दूसरे की हेल्प हमारे लिए बहुत बड़ी होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह के सेंटेंसेस आप शेयर करिए, आपके आंसर जो भी आप बनाएँ हमारे साथ शेयर करिए, और आप जो सेंटेंसेस बनाएँ डेयर से जो आप सेंटेंस बनाएँ सिंपल प्रेजेंट में, चुनौती के लिए, हिम्मत के लिए, करेज के लिए, जो हमने अभी पिछले सेंटेंसेस देखे, हमने पिछले वीडियो और इस वीडियो के साथ जो सेंटेंस देखे, आप आई डेयर के साथ भी सेंटेंस बनाएं, चुनौती हिम्मत वाले सेंटेंस बनाएं, हमारे साथ आपके आंसर शेयर करें कि किस तरह से आपने इस तरह के मॉडल सीखे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो भी आप सेंटेंस देख रहे हैं, मॉडल देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में हमने सेंटेंसेस सब सेव रखा है, बेसिक से लेकर के पूरे टेंस डेली पैटर्न रोज उपयोग आने वाले हमारे सेंटेंसेस के साथ में मॉडल के सेंटेंसेस भी हमने देखे हैं, और हमने करे हैं बहुत सारी स्टोरीज एक साथ टेंस को मिला करके, ताकि हमारे टेंस के रिविजन मॉडल के रिविजन एक साथ होते रहें। तो आप स्टोरी भी देख करके करते रहें, इस तरह अपने स्टोरीज बनाइए। कीप वॉचिंग सरल इंग्लिश गुरु, ए स्टेप टुवर्ड्स इंग्लिश वर्ड। सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड कमेंट, प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट लेटेस्ट वीडियो। शेयर योर नॉलेज विद अस, मेक योर ग्रुप लार्जर एंड बेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।